हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। एक्चुअली काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो गाइस आपको पता होगा मैंने काफ़ी दिनों से एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। काफ़ी दिनों से नहीं, एक महीने से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्यों वीडियो अपलोड नहीं करा था, वो सारी चीज़ मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो दिनों बाद आने वाली पूर्णिमा, तो उस दिन ना काफ़ी बड़ा आयोजन होने वाला है हमारे गांव में। तो क्या होने वाला है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आगे। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का व्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रहे। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हो कर सकते हो भाई, एकदम फ्री है। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। काफ़ी मैंने शूट किया था लेकिन एक बिना मैंने क्लिप अपलोड ही नहीं की। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ, व्लॉग बना चुका हूँ लेकिन अपलोड नहीं किया। तो आप बताने वाला कि दो दिनों से हम क्या कर रहे थे, तो ये वाला काम हम दो दिनों से कर रहे हैं। और ब्लॉग वाला काम इसलिए नहीं अपलोड कर रहा था, कभी इंटरनेट का इश्यू आ रहा था, कभी मुझे कोई काम हो रहा था, कुछ काम हो रहा था, बीमार हुआ था। तो मैंने सोचा चलिए एकदम फ्रेश होते हैं तब ब्लॉग अपलोड करेंगे, तब ब्लॉग शूट करेंगे। सही सही जो आलू थे वो हमने यहाँ पर लगा दिए। ऐसे लग रहे थे जो कटे हुए आलू है, जो कि ये कटा हुआ है लेकिन आपको लग रहा होगा ये बिगड़ा हुआ है, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं है। इसका क्या हुआ है, यहाँ से कटा हुआ था तो मिट्टी लग गई थी, हम इसको काट के यहाँ पर डाल देंगे और ऐसा हो जाएगा। और जो साफ़ हो गया है और बाल्टी में दूसरे रख दिए साफ होने के लिए, ये तो इसके बनेंगे चिप्स। तो जब बनेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी जो मिट्टी लगी हुई इसको काट कर हम ऐसा कर देते हैं एकदम नए जैसा। तो जो मिट्टी लगी थी वो कट चुकी है, आपको शायद गंदा दिख रहा होगा लेकिन गंदा नहीं है, ये मिट्टी लगी हुई है। तो गाइस अब टाइम हो गया इसकी चिप्स बनाने का। तो ये चिप्स वाला मशीन है जिससे डिज़ाइन बनती है, ये वाला चिप्स वाला डिज़ाइन बनती है और यहाँ से चिप्स निकलेंगे। अब एक बार आपको निकाल के बता दें कैसे चिप्स बनेंगे। तो ऐसे मशीन को पकड़ना है और गाइस हमको तो आता भी नहीं है। ओ भाई ये ले जाओ, तो इस तरीके से घिसेंगे हम। हाँ तो गाइस चिप्स दिखा दिखाता हूँ, अभी ना कैमरा पकड़ रहा हूँ तो चिप्स प्रॉपर नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे चिप्स निकलेंगे, हाँ काकुबरा, और इस साइड से डिजाइन वाले चिप्स निकलेंगे। निकल जाए तो कहाँ गए, ओह खराब हो गया भाई। आपको प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे निकलता है। तो गाइस ऐसे चिप्स बन गई इतनी सारी, अब और ज़्यादा बनाएंगे लेकिन अब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चिप्स बन रही है। ऐसी चिप्स बन रही है ऐसी, हालांकि आलू का जैसा शेप होगा वैसे ही चिप्स बनेंगी, लेकिन अभी तो ऐसी चिप्स बन रही है। तो और ज़्यादा बनाते हैं बाद में आपको दिखाएंगे। गाइस इतने सारे आलू है और इतनी ज़्यादा चिप्स मैंने बना ली है, अब ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाला हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाला हूँ। तो मैंने अब ये सारा सेटअप कर दिया है। तो गाइस धीरे से काटना पड़ता है वरना ये वाली देख रहे हो ये धारदार है, तो हाथ कहीं ऐसे स्लिप हो गया ना तो मानो इसकी भी निकल जाएगी चिप्स। तो थोड़ा सा ध्यान से, वरना ये वाली और डिज़ाइन के लिए वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी इससे निकल रहा हूँ। अरे पहले पीवा तो देगा। तो दो दिनों से आलू के चिप्स ही बना रहे थे हम, लेकिन ये अच्छे वाले निकल गए। वो वाले बनाए थे चिप्स कैसे क्या कहते पता नहीं, और ये वाले थे एकदम डार्क ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन तो नहीं ब्लैक से हो गए हैं। मार्केट में गया था और लाया था बेल, और सोचिए कितने की बेल होगी, मात्र 20 रुपये की बेल ही है, इतनी ज़्यादा मिलती है। मैं टूर दिनिंग ब्लॉग, और सुबह से कितनी ज़्यादा हवा चल रही है पूछो मत, बादल भी काफ़ी सारे आ चुके हैं। हालांकि मानसून सीजन में ज़्यादा बारिश आती है, बारिश नहीं बादल आते हैं। सूरज देवता यहाँ तक आ चुका है और मैं आया हूँ सुबह सुबह खेतों में, बस थोड़ा सा काम था, वो काम करने के बाद हम जाएंगे सीधे घर। लेकिन हाँ सरसों काफ़ी अच्छे खासे खिले हुए है अभी, और नहर में पानी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही हमारा खेत है, यहाँ पर नहर है और ये है मीठी इमली, पक गए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जाऊँ कहाँ से, यहाँ से तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि ज़्यादा कांटे लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पर एक बबूल का पेड़ है छोटा सा, काफ़ी छोटा था, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई।
और यहाँ पे इमली काफ़ी सारी यहाँ पर पकी हुई है, लेकिन मुझे लगता है दूसरी इमली के पास जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं इस इमली वाले पेड़ के पास तो। और आगे जाते हैं। एक्चुअली मुझे ना इमली काफ़ी अच्छी लगती है और मैंने खाई थी जब मैं दूसरे गांव गया था, तब मैंने शूट भी नहीं किया था, लेकिन हाँ खाई थी और वहाँ पर तो शायद पकी भी होगी, पक गई होगी। यहाँ पर भी है इमली का पेड़, मीठी इमली का पेड़ कहते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है भी नहीं। और इमली नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक और चीज़ देखने वाले हैं। एक्चुअली गुजराती में इसको केसुड़ो कहते हैं, केसुड़ो। तो ये हमारे खेतों में अवेलेबल है, जिसके फूल आते हैं केसरी भगवा रंग के। तो भाई साहब क्या ही खूबसूरत दिख रहा है, शानदार। ये रहा केसुड़ो, क्या ही फूल है भाई, खूबसूरत। और ये हमारा खेत, क्या ही माहौल होता होगा सोचिए आप जब ऐसे खेतों में आप घूमते हो तो। और ये हमारे गेहूँ इतने पके कि भाई डराओ मत, इस वाले खेतों में गेहूँ पक चुके हैं। Thank you.